अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी महरोज महमूद एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन लिटिल हैप्पीनेस विद महरोज। आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन पुलाव, यखनी पुलाव, बहुत ही मज़े का। बुज़ुर्गों को तो बहुत ही पसंद है, स्पेशली पेरेंट्स को। मेरे मेथड से एक दफ़ा लाजमी बनाएं और अपने पेरेंट्स को, अम्मी अबू को लाजमी टेस्ट कराएं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर रेसिपी। 3 ग्लास पानी लिया है मैंने, इसको जोश आ गया। अब मैं इसमें अपना चिकन ऐड कर दूँगी। ऑलमोस्ट 2 kg मेरे पास चिकन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें मैं लहसुन के जवे शामिल कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम की आंच पे पकाऊँगी ताकि जो हमारा चिकन है वो गल जाए और इसकी यखनी, हड्डियों की जो यखनी है वो अच्छी तरह निकल जाए। 1/2 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 3 टेबलस्पून ज़ीरा लिए हैं, 3 ग्रीन कार्डमम लिए हैं, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर लिए है साबुत, 2 सिनेमन स्टिक्स, 1 ब्लैक कार्डमम, 3 बादियाम के फूल लिए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने खड़े मसालों को कड़कड़ाऊँगी मैं, साथ ही मैं इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिएगा, सबसे पहले आपने ऑयल में अपने खड़े मसाले ही ऐड करने हैं, क्योंकि इसी स्टेप से आपके पुलाव को खुशबू आएगी और टेस्ट, जिसे कहते हैं ना जायका, वो इससे आएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसमें बारीक एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी ताकि जो हमारा टमाटर है वो नरम हो जाए और गल जाए। 1 टेबलस्पून आलू बुखारा ऐड करूँगी, दही ऐड करूँगी अभी स्टेज में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलमोस्ट 150 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, देखें ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और दही का पानी भी गुशक हो गया है। अब साथ ही मैं इसमें जो चिकन है मैंने बॉईल किया हुआ था वो ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले ऐड करूंगी, 3 ग्लास हमारे चावल हैं तो 3 चम्मच मैंने नमक कर लिया है, कमी बेशी आप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पीसी काली मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि हमारा चिकन जो है ऑलरेडी गला हुआ है। 3 से 4 मिनट के बाद साथ ही मैं इसमें अपना चिकन स्टॉक यानी कि जो यखनी है वो ऐड कर दूंगी। तीन ग्लास हमारे पास चावल है तो मैं इसमें 5 ग्लास अपनी यखनी एंटर करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 ग्लास यानी कि मैं कम रखूंगी, एक जोश आने का वेट करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी को हमारे जोश आ गए, 3 ग्लास मैंने बासमती राइस लिए, इनको अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए भिगो के मैंने छोड़ दिया था, वो एंटर करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हाथों से इसे मिक्स करूँगी ताकि हमारे चावल टूटे ना, बस हल्का हल्का प्यार प्यार से। यखनी को हमारे जोश आ गया, अब मैं इसके खुशक होने का इंतज़ार करूँगी। पानी हमारा ऑलमोस्ट सूखा हो गया है, इस स्टेज पे मैं फ्रेश धनिया एंटर करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही 3 हरी मिर्चें बग़ैर कट लगाए डाल दूँगी। इस वक्त जो भी आप चीज़ एंटर करेंगे ना वो पुलाव को 4 चांद लगा देगी। तो दम की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम को लगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, मज़ीद मैंने इसको 5 मिनट दे दिए थे चूल्हा बंद करके। अब मैं उठाती हूँ इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये देखा जरा, सुभानअल्लाह। चावल हमारा माशाल्लाह से कितना बड़ा बड़ा और खिला खिला तैयार हुआ है, सुभानअल्लाह। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ले जी यखनी पुलाव हमारा रेडी है। गार्निश किए मैंने इसको धनिए से, आलू बुखारे से,
चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अम्मी अबू को लाजमी टेस्ट करवाएं। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।